लैंडस्लाइड हो रही है बहुत तेरी। फिलहाल यहाँ बारिश तेज स्टार्ट हो गई है और रोड पर देखिए पत्थर कितने गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर भी नीचे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ ये जो रोड है बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुकी है, सामने उस जगह पर पत्थर गिर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचे बांध में से एक टेहरी बांध को। तो यहाँ से कुछ यू व्यू आ रहा है। यू आर रिकॉर्डिंग मी, वांट टू अनसी? नो नो नो। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग उत्तरकाशी फिर रात को रुके थे और यहाँ पर हमें ये जो रूम है वो पड़ा रात को 800 रुपये का 3 जनों के लिए, और एक रूम पड़ा 1000 रुपये 7 जनों के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर। हमारे बिल्कुल जस्ट सामने हमारी बस खड़ी है और भाई हमारा बैग लेकर पहले ही निकल लिए। वो कह रहे हैं कि बैग रखने के लिए जगह तो बनाए क्योंकि बैठने के लिए जगह आज बिल्कुल नहीं, पूरी बस बुक है पहले से ही। तो फिलहाल आज मेरा गला फिर से भी ख़राब है और आज फीवर नहीं है तो अच्छी बात है। और उत्तरकाशी के इस जगह से हमें बस मिलेगी आगे जाने के लिए, वो भी सिर्फ श्रीनगर तक। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि उत्तरकाशी से सीधी सोनप्रयाग की अगर कोई बस मिलेगी तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से कोई भी सीधी डायरेक्ट बस नहीं है, तो अगर कोई लेकर जा रहा है तो वो टूर एंड कंपनी वाले होंगे, उनकी पहले से बुकिंग होती है। ये हमारी गाड़ी है जो श्रीनगर तक जाएगी। तो अंकल जी बताइए, यहाँ पर गाड़ी की जो सर्विस है वो कैसी है? गाड़ी की सर्विस वेल है। कहाँ से वेल है, हम सुबह से परेशान है, हमें लेकिन है। यात्रा है ना, चार धाम की यात्रा यहाँ से मुख्य है, यहाँ से गौरीकुंड यमुनोत्री, सही बोला अंकल जी? तो वहाँ से वापस आएंगे तो ये सेंटर है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आप ऋषिकेश से तो आ रहे होंगे, आपने ऋषिकेश में तो देखा होगा, यहाँ तो ट्रेन का कोई व्यवस्था नहीं। अंकल जी हम ऋषिकेश से भी आए हैं, देहरादून से भी आए हैं और प्रत्येक जगह हमें एक ही चीज़ देखने को मिली और वो ये कि यहाँ पर जो बसों की सर्विस है बहुत बेकार है, बहुत बेकार। ये तो ये आपने कह दिया ना, वेल सर्विसेज नाम की, ठीक है। यहाँ पर बसें लगानी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार को ये जो चारधाम यात्रा है उससे बहुत प्रॉफिट होता है। तो सिर्फ यहाँ पर नाम का ये कह रहे हैं कि वेल सर्विस, हमने ऊपर भी देखा ना तो कोई टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है ना रहने की। ऊपर अगर आप देखोगे तो इस रूम में कोई ठहरना भी ना चाहे उसके 15 से 2000 रुपए मांग रहे हैं। गंगोत्री, बिल्कुल गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह, हाँ, हर जगह ये है, तो ठीक है। आश्रम गुरुद्वारे तक वाले 500-700 रुपए मांग रहे हैं, सही बोला भैया? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में ये जो चार धाम यात्रा चल रही है यहाँ पर लोगों ने धंधा खोल रखा भैया, और वो भी ऐसा नहीं हाई लेवल वाला। तो कुछ यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि भैया ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब फेंक रहे हैं हवा में सिर्फ व्यूज़ के लिए, लेकिन जो है वो सच कहो वो अच्छा रहेगा। तो उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो आपको सब रियल नहीं दिखाएंगे, जेन्युइन नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल यात्री आ रहे हैं और ये इसके बाद बस है, इसके बाद कोई बस नहीं है, एक बस है उत्तरकाशी से। टैक्सी जाने वाले हैं और टैक्सी, खास बात यह है कि टैक्सी वाले जो यहाँ से नीचे तक जाने का 8 से 10 हज़ार रुपए चार्ज करे, 15 से 20 हज़ार वो श्रीनगर का कह रहा है, श्रीनगर का, श्रीनगर का 8 से 10 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। तो यार यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिली से कोई यात्री आ रहा है तो वो तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर यात्रा को थोड़ा यार इम्प्रूव करो, शासन प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फाइनली हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंकल जी बाहर वाले पुल के बारे में बताइए कुछ। हाँ भैया, डोबरा पुल, डोबरा पुल। तो अंकल जी हमारे सच में बहुत ही शानदार ड्राइवर है और ये पहाड़ी रास्ते देखिए, इसमें इतना स्मूथली बस चला रहे हैं कि क्या बताएं, इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खेती होती है, मतलब सीढ़ी नुमा। यहाँ से बाहर का व्यू देखिए। अंकल जी कितने साल लगे बांध को बनने में? 20 साल में। और ये टेहरी बांध के ऊपर बना हुआ है ये पुल? टेहरी बांध से जाएंगे ना हम लोग। हाँ जी हाँ जी, अभी इसके ऊपर जाएंगे टेहरी बांध में, यही है वो जो घर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर फ्लोटिंग हाउस जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं ना, वो वाले सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
साल लगे हैं, 20 साल। और कितना बड़ा है ये आप लोग देख सकते हैं, आधा एक किलोमीटर, आधा एक किलोमीटर में। क्या ही पियो, दिल खुश कर दिया आपने। ऐसे लोकेशन पर रोका है, बाहर का लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा किस लोकेशन पर अंकल जी ने रोका है। तो ड्राइवर अंकल को हमने बोला था कि एक अच्छे से लोकेशन पर रोकना गाड़ी, ताकि हम अच्छे से एंजॉय करते हुए चाय मैगी खा सकें। तो फिलहाल अंकल जी ने जिस ढाबे पर रोका है वो कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ का जो साइड का व्यू पॉइंट है वो देख कर आप लोग कहोगे कि वाह क्या मस्त व्यू पॉइंट है यार। तो वो रहा सामने पुल जिससे हम लोग गुजर के आए, और वो देख रहे हैं सामने वो है फ्लोटिंग हाउस, मतलब तैरते हुए घर। और वो देखिए एक घर उस तरफ तैर रहा है, यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए और यहाँ पर जिन लोगों के पास खूब पैसा है वो लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं भाई। और ये हमारे भाई ब्लॉगर है, कहाँ से भाई? दिल्ली से है भाई। तो आपके चैनल का नाम क्या है भाई? मेरे चैनल का नाम है मॉर्निंग माउंटेन्स। अंकल जी धन्यवाद अच्छे लोकेशन के लिए और एक सेफ ड्राइव के लिए, बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं। थैंक यू। लोगों को यहाँ पर आने के बाद में पता लगा कि ये जो पानी है अब जो देख रहे हैं पानी, ये टेहरी बांध के ऊपर है, मतलब ये जो जितना भी पानी रुका हुआ है वो टेहरी बांध के कारण रुका हुआ है। तो फिलहाल हमारी बस चल पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नॉनवेज है, वेज नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं बस की ओर, और अंकल जी ने हमारी ख्वाहिश पूरी की, उसके लिए यार सिर्फ मेरी वजह से अंकल ने यहाँ बस रोकी, और उनको पता नहीं था कि यहाँ नॉनवेज मिलता है। तो हम लोग यात्रा पे हैं अभी, तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा रहे, तो इसलिए गाड़ी हमारी चल चुकी है और हम जा रहे हैं वापस हमारे बस की ओर। ने हमारे लिए बस रोकी ना, वही हमारे लिए सबसे अच्छा था, खाना तो कोई बात नहीं। तो अभी हमारी बस रुकी है यहाँ दीपक भोजनालय के सामने, यहाँ पर परोठे बन रहे थे, वो कितने बड़े बड़े साइज के। भैया परोठे कितने रुपए के हैं? 30 रुपए का। और ये जो अलग है उसके साथ ही 30 रुपए, छोले मिलेगा, एक सब्जी, एक रायता, अचार, चटनी सब मिलेगा 30 रुपए में। बहुत सही दे रहे हो आप लोग। और साई ब्रो हमारे लिए खाना लाया ना, साई ब्रो कैसा है खाना? खाना सच में एक नंबर है, 30 रुपए में ना ऐसा खाना आज तक मैंने कहीं नहीं खाया। ये नाश्ता सच में बहुत ही अच्छा बनाया, और ये सब्जी, ये वाली सब्जी और रायता, सब के सब एक नंबर है। आप लोगों ने खाना बहुत अच्छा बनाया सच में, खाना मस्त लगा। यहाँ पर इन दिनों में जितने दिन वहाँ यहाँ रुके हैं, सबसे मस्त खाना जो है वो यहाँ पर इनके यहाँ खाने को मिला। और ये हम जिस जगह से जा रहे हैं इसे कहते हैं टेहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, और इसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। क्या बोले अंकल? वो देखिए सामने लिखा हुआ वेलकम टेहरी डैम। आप लोग देख रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचे बांध में से एक टेहरी बांध को, जिसके ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस टेहरी डैम के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं कुछ इस कदर लेटे लेटे, और बाकी हमारे भाई लोग खड़े खड़े। और पूरे रास्ते इतना मतलब कि मैं आराम से आया हूँ, मेरे पास सीट नहीं है, पर अंकल जी की वजह से हमें बहुत ही कंफर्टेबल सीट मिली। ये टेहरी डैम है और हमें बड़े ही अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं ये लोग। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए श्रीनगर, और अभी थोड़ा दूर और है बस स्टैंड, और फिर वहां से लेंगे हम केदारनाथ के लिए बस। तो सुबह 6 बजे चले और अभी बज गए हैं 2। मैंने बताया कि यहां सामने से मिलेगी गौरीकुंड और सोनप्रया के लिए बस स्टैंड, यही बस स्टैंड। चलो ठीक है, धन्यवाद अंकल जी, हर हर महादेव। हमें श्रीनगर से यहाँ गाड़ी मिली है, और ये भैया हमें लेकर जा रहे हैं 5,000 रुपये सब लोगों को। वैसे तो यहाँ 250 रुपये किराया है पर हेड, लेकिन अभी चार धाम की यात्रा चल रही तो वही सारे लूटने को लगे हैं। भैया हमें कहाँ कहाँ लेकर जाओगे अभी? सोनपुरा, इस यात्रा के दौरान पहले धारी देवी के दर्शन करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सामने है धारी देवी टेम्पल, हम लोग जा रहे हैं धारी देवी टेम्पल की ओर। धारी देवी का प्रवेश द्वार और नीचे की तरफ है हमारा टेम्पल, नजर आता है सामने से धारी देवी का एंट्री गेट। लोग जा रहे हैं धारी देवी टेम्पल की ओर, जो कि नदी के बीचों बीच है, और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आपको आते जाते दिखाई दे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ हर जगह हमें ट्रैक पे ट्रैक करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी ट्रैक ही कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ ट्रैक करेंगे, बाद में केदारनाथ करेंगे। तो
गला तो अभी तक सही नहीं हुआ, पर हम सही हैं एकदम भोलेनाथ की कृपा से। तो यहाँ से कुछ यूं व्यू आ रहा है माँ धारा देवी का, और यहाँ पर एक बहुत पुराना पुल है उसका। तो यहाँ पर बहुत सुंदर और प्रकृति की गोद में ये धारी देवी का मंदिर सच में कुछ अलग ही लग रहा है। तो धारी देवी के मंदिर से पहले हमें ये एक छोटी सी मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ कुछ खाने पीने की, प्रसाद की और बहुत सी शॉप आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो धारी देवी का मंदिर सामने है, कल हम मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से ये एक पुल बना हुआ है नदी के ऊपर। जय भोलेनाथ, सबसे पहले दर्शन हुए भोलेनाथ के। तो मैया के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पंडित जी से यहाँ धारी माता के बारे में कुछ जानते हैं, जो हमें नॉलेज नहीं है वो हमें पंडित जी देंगे। ये धारी देवी दक्षिणी काली है, काली 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 का ही रूप है, काली काली का स्वरूप है। हाँ जी, और धारी द्वापर से है इसलिए धारी देवी कहते हैं। धारी गाँव है सामने पे ना। हाँ जी हाँ जी, धारी देवी इसलिए कहते हैं। सुबह कन्या का भाव होता है इसका, भाव मूर्ति का। हाँ, दिन को युवा होती है, शाम को वृद्ध माता होती है, और चारों धामों की रक्षक देवी है। चारों धामों की रक्षक द्वापर धारी देवी, द्वापर से देवी विराजमान। और ये कंपनी बनी आगे, जीवी कंपनी, पहले मंदिर नीचे था, बहुत नीचे 21 मीटर नीचे। उस समय यहाँ पानी नहीं था, ठीक है, जो आप देख रहे हो अभी पानी है। उस समय नदी बहती थी, जैसे देवप्रयाग में बह रही है नदी वैसे बहती थी। तो डैम बनने के कारण देवी को अपलिफ्ट किया। फिलहाल देवी अपने टोंपरेली पे इसमें है। तो मून जो नया मंदिर बना है उसके 21 मीटर नीचे जो मंदिर था उसी के केंद्र मंदिर ऊपर है, उसमें फिर विराजमान होगी माता जी। जो इसके नीचे भी मंदिर है अभी भी? अब तो जलमग्न हो चुका है, मतलब मंदिर है नहीं, जलमग्न हो गया वो। तो क्या बोलेंगे क्या है, अच्छा। तो सोलह जून 2013 में जो आपदा आई थी उस समय अपलिफ्ट किया गया देवी को। अच्छा, बाढ़ आ गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो बाढ़ आने के साथ साथ ही देवी को ऊपर लाए। धारी माता की जय, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो फिलहाल हम लोग मैया के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस हमारी गाड़ी की ओर, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू आता है। धारी मैया के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं इस तरफ, जो ये ब्रिज बना हुआ है, ये पुल बहुत पुराना है और सच में बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। और हम लोगों का प्लान तो नहीं था इधर जाने का, क्योंकि गाड़ी वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं, पर हमने सोचा कि यार बार बार थोड़ा ना आते रहेंगे, तो निकल ही लेते हैं और देखते हैं इस पुल का भी एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा है कैसा नहीं। झूल रहा है क्या वो? भाई भाई भाई, पुल झूल रहा है पूरा का पूरा यार। अरे वीडियो क्या बना रहे, ये तो पूरा एकदम नाच रहा है भाई, है ना मजा। अगर इस पुल के ऊपर कुछ लोग और हो तो सच में मजा आ जाए, क्योंकि ये पुल इतना हिल डुल रहा है, मेरा बैलेंस एक पैर पैर थोड़ा मुश्किल हो जाता ना इसमें, तो उस हिसाब से। और दूसरी हवा इतनी तेज चल रही है कि ये ऑटोमेटिक हिल रहा है। तो हम लोग अभी धारी देवी मंदिर के पास जो पुल है उसके ऊपर है, और ये पुल इतना ज़्यादा हिल रहा है, ऐसे ऐसे लहरा रहा है हवा की तरह। और यहाँ पर एक पुरानी ट्रॉली भी हमें देखने को मिली उधर के सामने, अब इसका यूज नहीं होता। हमने पुल देख लिया है, पुल शेक बहुत कर रहा है, तो हम और ऊपर लेट हो रहे हैं, तो ऊपर वाले भी गालियाँ निकाल रहे होंगे, तो चलो दो चार गालियाँ भी सुन लेंगे। तो आप लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। मैया के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन हम करने आए हैं, और ये इस तरफ एक नया ब्रिज बन रहा है, सच में बहुत ही सुंदर यार। तो वो वाला पुल इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी भारतीय सरकार ने ये नया पुल इस तरफ से बना रहे, इस तरफ से रोड है, तो ये सक्सेस ना होने की वजह से उस तरफ रोड बनाई जा रही है। तो आने वाले समय में वो वाली रोड चलेगी, ये वाली बंद होगी। और पहाड़ों में इन भैया का कार्यकाल कंप्लीट हो गया, तो ये कुछ इस कंडीशन में है। और अभी हम रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे हैं, तो हमारा रुद्रप्रयाग में स्वागत हो गया है। और भैया हमारे ऊपर लगे पड़े हैं गाड़ी को पैक करने में, क्योंकि बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई, और उस तरफ देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ रुद्रप्रयाग में एंटर तो हो चुके हैं, लेकिन सोनप्रयाग में कब होंगे ये तो भोलेनाथ ही बताएंगे। केदार, यहाँ से बाबा केदारनाथ की जो दूरी है वो 87 बची है, और यहाँ पर एक
पहाड़ों में कहावत कही जाती है कि दिल्ली का फैशन और पहाड़ों का मौसम कब बदले पता नहीं लगता है? और ये सच है यार। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितना सुहावना मौसम है ना उतनी ही डेंजरस ये सड़कें हो जाती है, क्योंकि ऊपर से पत्थर बहुत आ रहे हैं यार। तो देख सकते हैं रोड के ऊपर कितने पत्थर आ चुके हैं। अभी बारिश स्टार्ट हुई है और रोड पर पत्थर गिरना शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जितना सुंदर यहाँ का वेदर है ना उतनी ज़्यादा खतरनाक ये लोकेशन है। तो फिलहाल हम केदार बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इस बारिश के मजे लेते जा रहे हैं। तो बोलो हर हर। और रोड पर देखिए पत्थर कितने गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर भी नीचे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ ये जो रोड है बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुकी है। लैंडस्लाइड हो रही है बहुत तेरी, गाड़ी का शीशा टूट गया। लैंडस्लाइड नहीं मतलब पत्थर गिर रहे हैं। आपने देखी नहीं अभी गाड़ी गई होगी कोई ना, आगे खड़ी है स्विफ्ट डिजायर शायद। अच्छा मैंने बताया कि आगे लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं और गाड़ियों के शीशे वगैरह टूट गए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और जब ये बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जान पहले है, रुक जाएंगे वेट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ जाम लग गया है, सामने आगे पत्थर गिरने की वजह से दो तीन गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और अभी जाम लगा पड़ा है। सामने उस जगह तक पत्थर गिर रहे हैं, फिलहाल तो वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ फंसे पड़े हैं। ये गाड़ियाँ निकलने लग गई है और हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से। और देख सकते हैं कि कुछ बारिश रुकने के बाद यहाँ जो पत्थर गिर रहे थे वो बंद हो चुके हैं। हेलमेट के घूम रहे हैं हद है यार, पहाड़ों में बिना हेलमेट के पगला गए हैं सब। तो यार अगर आप लोग पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हो बाइक से तो हेलमेट अपने साथ हमेशा रखें, क्योंकि ऊपर से छोटा सा पत्थर भी आता ना तो गोली की तरह आता है। और यहाँ पर ये देखो मोहतरमा वेल एजुकेटेड है बट अनपढ़ की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ तो शीशे टूट गए गाड़ियों के भाई, तभी तो रुके सब, दो गाड़ियों के शीशे टूट गए। भैया ध्यान से देखिए पूरी सड़क पे पत्थर ही पत्थर, सिर्फ पत्थर। तो यहाँ बारिश के समय मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये रोड खतरनाक हो जाती है और ये एक छोटा सा उदाहरण है। ये बाबा थे मोहतरमा नहीं थी, हमसे गलती हो गई भैया। यहाँ से पूरा एकदम रोड एकदम क्लीन है, एकदम अच्छी लग रही है और वहाँ पर खतरनाक लग रही थी। तो ये पहाड़ है भाई, यहाँ कब क्या कुछ भी हो सकता है। सही बोला भैया, बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ बारिश में हम लोग गर्मा गर्म जलेबी खा रहे हैं। तो यहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा था इसलिए यहाँ पर जैम लगा पड़ा है। तो काफी बड़ा जाम लगा था, काफी मतलब एक घंटे से हम लोग यहाँ पीछे खड़े थे। शिव जी के मन को लुभाए, ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। तो फिलहाल हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। 500-500 सबसे लिया, कोई कम नहीं लिया। 500-500 लिए, कम नहीं लिया। आप ये बता दीजिए कि भैया कितना सही है कि 14 किलोमीटर भाई अभी तो 14 किलोमीटर पीछे छोड़ रहे हैं। अपन लोग यात्री हैं, पता कितनी दूर से है। बड़े भैया बात सुनो, ब्रदर कि 14 किलोमीटर पीछे छोड़ रहे थे और कह रहे थे कि सोनप्रयाग आ चुका है। तो यार यहाँ पर इस तरीके का चलता रहता है, थोड़ा आप लोग भी केयरफुली रहना क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत रहती है। तो आज का वीडियो व्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं क्योंकि कल जल्दी मॉर्निंग में करनी है हमें बाबा केदार के लिए यात्रा शुरू।